बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने आज अपनी मांगों को लेकर शिमला में प्रदर्शन किया और एक रैली निकाली। संघ के मुख्य सलाहकार डॉक्टर रमेश राजपूत ने कहा कि प्रदेश में 22,000 से अधिक बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से डीपी या पीईटी के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। उन्होंने सरकार से शारीरिक शिक्षकों के खाली पद जल्द भरने की मांग की है। मुख्य तौर पर ये रही है कि 870 पोस्टें हमारी निकली है पिछले एक वर्ष में। उसके बाद कुछ अयोग्य जो शारीरिक शिक्षक थे उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, तो कोर्ट के केस के बाद हम 2 महीने पहले कोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन जो भर्ती की प्रक्रिया है वो बिल्कुल फंसी हुई है। जो वर्तमान सरकार है वो हमारी पोस्टें अभी नहीं भर रही है, तो हम आज हमारा मुख्य उद्देश्य सड़कों पर उतरने का, प्रोटेस्ट करने का यही रहा है कि आचार संहिता से पहले हिमाचल सरकार जल्दी से जल्दी हमारी इन 870 की पोस्टों को भरा जाए और इसकी प्रक्रिया शुरू की जाए।